नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज लेकर आए हैं आपके लिए रेशम पालन के उत्पादन के बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। और आइए हम सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और सर से जानकारी लेते हैं क्या नाम है और क्या किस प्रकार से रेशम पालन किसान भाई कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना सर नाम बताइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर PM सांगले है जी। सर, मैं दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट कृषि विज्ञान केंद्र बीड, यहाँ पे मैं SMS बोर्ड के कार्यरत हूँ। सर, अभी यहाँ पर कार्यरत हैं और ये आपको रेशम पालन के बारे में बताएंगे। सर, इसमें किस प्रकार के प्लांट पे किया जा सकता है और किसान कैसे कर सकते हैं? सर, किसान भाइयों को ये जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अभी ये जो सेरिकल्चर, इसे कहते हैं अपन रेशम की खेती कहते हैं, तो इसमें दो चीज़ बहुत ही आवश्यक है। हमारे जैसे महाराष्ट्र में इसको तूती बोलते हैं, तूती की जो प्लांटेशन है वो एक आपको इम्पोर्टेंट है कि तूती का प्लांटेशन आपको करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो है, जब सेरिकल्चर करते हैं तो वो खेत में नहीं होता है, आपको इसके लिए एक कंट्रोल कंडीशन चाहिए। यानी इसके लिए आपको एक पॉली, जिस प्रकार से ग्रीन हाउस नेट वगैरह मशरूम की खेती करते हैं, क्या किसान वैसे तो खेती सभी प्रकार की करते हैं लेकिन कुछ ट्रेडिशनल खेती करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ ले सके। जैसे मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, विभिन्न प्रकार की जो ये टेक्निक है इनका उपयोग करेंगे, मशरूम कल्टीवेशन, तो इससे अधिक लाभ ले सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार की खेती सब लोग करते हैं लेकिन कुछ हट के करेंगे तो किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। तो सर, इसको बताइए सर, इसको इसके लिए इस प्रकार का किस प्रकार का टेम्परेचर वगैरह चाहिए? सर, अभी सेरिकल्चर करते वक्त इसमें टेम्परेचर की ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे कहते हैं वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अंदर का कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए। और ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी जो कहते हैं वो 70 से 80% ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो रेशम जो है, खुद जो ईली होती है उसको सेरिकल्चर सिल्क वर्म कहते हैं इंग्लिश में, वो अच्छी तरह से पत्तियाँ खाती है और पत्तियाँ आने की वजह से अच्छी तरह से कोष बनते हैं और जितने अच्छे कोष बनेंगे उतना अच्छा अपने को भाव मिलता है और उतना प्रॉफिट अपना दुगना हो जाता है। तो सर, ये कौन से प्लांट पे किया जाता है? सर, ये जो है तूती बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो चलता है वो तूती पे, वैसे तो 3-4 अलग अलग प्रकार। तो ये तूती नाम का एक प्लांट होता है, उस पर विशेषकर किया जाता है क्योंकि उसमें पत्तियों के लिए ही विशेषकर बनाया जाता है, तो उसमें इतनी अधिक पत्तियाँ होती हैं और इस प्रकार से वो पत्तियों को खा खा के अपने लार्वा के माध्यम से इसका निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किसान भाई अपने ये नेट हाउस से निकल कर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से करते हैं और ये अपनी लार्वा के माध्यम से बनाते हैं क्या? सर, हाँ, अभी ये जो लार्वा होती है जी सर, वो इसे ककून कहा जाता है जी सर। अभी ये जो इंसेक्ट है, ये कीट है, हाँ, इसका एक जनरलाइज लाइफ साइकिल होता है। इसमें अच्छा, क्या है कि अंडी होती है जी सर, फिर अंडे में से जो निकलेगी वो ईली होती है अच्छा, जिसको हम लार्वा कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, उसके बाद होता है कि एक ककून होता है, मतलब प्यूपा जिसे कहा जाता है। अभी ये, अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव प्यूपा, ये प्यूपल कंडीशन है, इसके अंदर होता है। और ये क्या है कि इली जो है वो प्यूपल कंडीशन में जाने से पहले ये कोष बना देती है। अच्छा, और ये कोष बनने के बाद हाँ, जब ये प्यूपल स्टेज होती है, ये इली बदल जाती है, प्यूपल स्टेज के बाद बदल जाती है बटरफ्लाई में। अच्छा, बटरफ्लाई में, तो ये हाँ तितली जैसे, तो उसको सिल्क मॉथ कहते हैं जी सर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में। तो ये जो कोष है ये तो रेशम कोष तो बन गया है, तो हमें यही करना होता है कि जब ये बन जाता है तो इसको सर कुछ है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं इसको निकालने के लिए। सर, गर्म पानी वगैरह में क्या क्या? सर, तो इसका जो, इसका एक यूनिट होता है, रिलिंग यूनिट होता है, सेरिकल्चर रिलिंग यूनिट। तो जो हमारे खेती भाई है उनको ये बस इनका प्रोडक्शन करना होता है, इनका जब प्रोडक्शन हो जाए, ककून फॉर्मेशन हो जाए, तो इनको नज़दीकी जो भी मार्केट है, अगर कहीं मार्केट ना हो तो सिल्क बोर्ड का मार्केट है, बेंगलोर है, मैसूर है, वहाँ भी बेच सकते हैं। महाराष्ट्र में तो एक नया मार्केट खुला है, मतलब जालना है, बाकी की जगह है, वहाँ खरीदते हैं इसको, ये कोस्ट डायरेक्ट खरीदना स्टार्ट हो गया। जैसे हम मार्केट में जाते हैं सब्जी हमको मिलती है, वैसे मार्केट में जाके अभी महाराष्ट्र में ऐसे ककून भी खरीदना भी स्टार्ट हो गया है और लोग बेचते हैं, वहाँ पे आके बेच देते हैं। तो मतलब जो खेडूत लोग हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको परेशानी सबसे क्या होती है, हम तूती करेंगे, सेरिकल्चर करेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है किसानों को? प्रोडक्शन तो वो कर लेते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन या वो बेचने की समस्या आती है। तो कई प्रकार के ऐसे जहाँ संस्थान है जहाँ आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सेल करके, अब आप सर ने बताया कि एक कहाँ सर,
बेंगलोर में भी होता है। बेंगलोर में एक ऐसी जगह है जहाँ की यहाँ डायरेक्ट सेल कर सकते हैं सर, यहाँ से डायरेक्ट सर भेज सकते हैं क्या? डायरेक्ट भेज सकते हैं आप यहाँ से। हाँ, उसका ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पे रेट भी आपको पता चलता है। महाराष्ट्र में भी खरीदी का केंद्र शुरू हो गया है, यहाँ का मुझे पता नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में तो है, वहाँ पे भी डायरेक्ट बेच सकते हैं महाराष्ट्र में। हाँ तो सर आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए कि इस प्रकार की भी खेती करना चाहिए और क्या क्या मतलब इससे लाभ हैं? और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या सेरिकल्चर की, जहाँ पे आपको जानकारी मिल सके। तो जो सर ने बहुत जानकारी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो सर इसके लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है कि जैसे कोई किसान भाई करना चाहता है तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाता जा सकता है सर? देखो, ट्रेनिंग की व्यवस्था इसकी होती है, अगर आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड में जाते हैं वहाँ पे भी होती है, और हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है अगर आप उनसे अनुरोध करेंगे तो वो भी आपको इस सेरिकल्चर की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर नहीं मिले तो हमारा जो KVK है DRI के कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पर भी आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा दी गई जानकारी, बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, और जो किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक हुआ कि ये किसान खेती के साथ साथ ये साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं, एक छोटे से एक हेक्टेयर या एक एकड़ या एक यूनिट में बना के छोटा छोटा प्रोडक्शन करें, क्योंकि ये जो दिखाया गया है कि मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आपके में मस्टर्ड या सरसों की फसल लगी हुई है तो आप वहाँ ये छोटे छोटे बॉक्स लगा के मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अधिक से अधिक आपकी मस्टर्ड सरसों भी अच्छी होगी और आपको साथ साथ शहद भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की खेती करेंगे जब किसान भाई तो उसको जब अधिक से अधिक साइड बिजनेस के रूप में करेंगे तो काफ़ी जो मिलेगा तो उससे अधिक से अधिक किसान की आय बढ़ेगी। क्या है, एक अगर फार्मिंग एक ही उस पर डिपेंड रहेगा और मौसम इस प्रकार का है सर, देखो सर बारिश हो रही, फसल नष्ट हो गई, तो ये साइड बिजनेस के रूप में भी सर कर सकते हैं। तो आपके द्वारा सर जानकारी बहुत अच्छी लगी सर, आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर।